और बताइए मैडम कैसा लग रहा है यहाँ पे जीतकर? Amazing, thank you so much Lokmat once again. I remember years ago you recognized me with this award and I think as one of the first media houses to actually give such an incredible platform to all of us content creators and influencers. So big thank you from me and the entire industry. Hello madam. आप लोग डिस्ट्रप्टिव सब तो गोना बोल रही है, खुद भी कर रही है। ऑलराइट, सो इधर आ जाओ। अरे वहां पे सर का ब्लॉगिंग चालू है। लव इट सर, एक मिनट नहीं छोड़ेंगे। ओके, इधर आइए। कहाँ ऐसे खड़े रहे सर? ये आपको भी करना है सर कॉन्टेस्ट। आइए, 1 मिनट का कॉन्टेस्ट है सर। आप जाइए सर। निखिल आ जा, सबको ऑडियंस को फेस कर। दोस्तों, अरे करिश्मा जी, आप नेगोशिएट मत करिए, सब फ्री है, पैसे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? एवरीबॉडी सर, एक एक बोल सबको सर। आए, ऑलराइट, आपको भी प्लेट चाहिए? इधर आइए, ये लिखो, देयर यू गो। सो भाई, अरे रिक्वायरमेंट्स पहले एक्सप्लेन तो कर दो, क्या क्या चाहिए आपको? चना नहीं चाहिए आपको? क्या नहीं चाहिए? सब चलेगा मुनव्वर को। आपको क्या चाहिए? सब चलेगा। आपको क्या चलेगा? ऑलराइट, सो कॉन्टेस्ट शुरू। भाई अपने हाथ से उठा के डालो सब लोग, एक एक करके। ये सब छोड़ो सर, डू यू प्रेफर दिस ओल्ड स्कूल? लेट्स डू इट ओल्ड स्कूल। यस, फाइव। अच्छा, इनको मैडम को छोड़ के, मैडम वो आपको सर्व करेंगे। अरे आ जाओ मुनव्वर भाई, मुनव्वर भाई 2 ये वेट कर रहे निखिल। मुनव्वर भाई 3, आशीष सर आप लास्ट आ रहे, शर्म करो, पूरी जिंदगी ब्लॉगिंग कर रहे हो। आशीष भाई 1, मुनव्वर नंबर 4, नंबर 2, नंबर 5 मुनव्वर। अरे भाई निखिल नंबर 2 पर करिश्मा की मोहब्बत के साथ जाते हुए आप। आशीष अन्ना लीडिंग द रेस विथ 4, मुनव्वर एट नंबर 7। क्या बात है, आई लव इट। आशीष अन्ना एट नंबर 3, करिश्मा ने गिव अप कर दिया है। अरे 5 है, मुनव्वर एट नंबर 8, मुनव्वर डूइंग फुल वसूली और पानीपुरी। आई लाइक इट। और क्या बात है, बदमाश तो खुद है। आशीष अन्ना कितनी ब्लॉगिंग करोगे? नंबर 7 एंड द विनर। अरे आप आखिरी है, द विनर ऑफ दिस कॉन्टेस्ट। अरे खत्म तो करो एक बार, रोको रोको रोको। इधर आइए आदित्य जी, ये बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट है, इधर आइए। अरे रुक तो जाओ, फॉलोअर्स तुम्हारे। Here you go, most viral stand-up comedian मुनव्वर भाई। कुछ भी करते हो वायरल हो जाता है। इट्स नॉट जस्ट कॉमेडी, गाना, रैपिंग, कॉम्पोजिशन, बंदा बहुत मेहनत करता है। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये फेम, पैसे को चेस नहीं करता, ये सिर्फ वो करता है जो दिल करता है। सही कहा मेरे भाई? यस बिल्कुल, थैंक यू सो मच। पहले तो मुझे ये देने के लिए, ये इज्जत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू लोकमत की टीम को, आपको भी, आदित्य साहब को भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। यस, मज़ा आता है करने काम, और आर्ट है। और आपको कुछ और पूछना है? दिल से बोलो, ये चुप ही नहीं होता कितना हो रहा है। बट बहुत बहुत शुक्रिया ये देने के लिए। मुझे खुशी इस चीज़ की है कि मुझे कॉमेडी के लिए मिला, तो मैं ज़्यादा खुश हूँ कि मैं कर रहा हूँ। 4 साल पहले जब शुरू किया था कॉमेडी, पता नहीं था कि मुझे ये ऐसे मिलेगा। और हमेशा अच्छा फील होता है कभी भी कुछ भी अचीव करते तो, क्योंकि मुझे याद है मैं स्कूल में जब भी फर्स्ट आता था एवरी ईयर, तो मैं इसी तरह खड़े होता था और मुझे ऐसे मिलता था। बट मैं 5th तक ही पढ़ पाया, 5th के आगे नहीं पढ़ पाया, बहुत सारे रीजंस की वजह से। तो आगे पढ़ नहीं पाया, तो ऐसे मोमेंट फिर आना बंद हो गए थे लाइफ में। बट आर्ट के थ्रू अभी जो कला है वो ऐसे मोमेंट्स दिखा रही है मुझे, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग सबका। थैंक यू सो मच। और यस, मैं राइटर हूँ तो मैं लिखता हूँ। आज यहाँ पे बोलने के लिए कुछ लिखा नहीं था, बट मैंने बहुत पहले कुछ लिखा था, तो मैं वो सुना देता हूँ कि कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। तुम लिखते जाओ मुश्किल में मंजिल लिख दूंगा। मैं तूफान में जाके चिराग रख दूंगा। कोई मजहब पूछे तो हिंदुस्तान लिख दूंगा। चाहे काट दो मेरे पर, मैं जमीन पे बैठ आसमान लिख दूंगा। थैंक यू सो मच। अच्छा भाई, हक है इसलिए बोलता हूँ भाई, एक गाना तो बनता है यार, एक रैप सॉन्ग इतने से, अरे एक तो बनता है यार भाई, है कि नहीं आदित्य? एक तो आदित्य को भी रैप बहुत पसंद है। हाँ, बहुत अच्छा लिखा था, बहुत अच्छा लिखा था। तो भाई एक रैप गाना, इतने सारे वायरल हो रहे हैं, एक तो गा दो भाई के लिए। बिल्कुल मैं रैप सुना देता, लेकिन अभी शायरी इतने अच्छे उस पर नोट पे एंड किया है ना, तो मैं फिर वो रैप नहीं करना चाहता अभी। बट डेफिनेटली मैं नेक्स्ट टाइम बिल्कुल करूँगा, नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर मुझे लग रहा है रैप भी मिल जाएगा, इनको बुक कर दिया इन्होंने। बट थैंक यू सो मच भाई, एंड इतना अच्छा लगता है मुनव्वर, लव यू। Ladies and gentlemen, congratulations to Munawar Faruqui. मैं सब्जी बेचूं क्योंकि अब तुमने चैट शो जोन भी कैप्चर कर लिया है। कोई ना, धीरे धीरे सिंगर भी बनूंगी, सब कुछ बनूंगी क्योंकि मल्टी टैलेंटेड हूँ ना, तो बनता है ना, सब करना है हमें। क्यों नहीं यार, है ना, जिंदगी छोटी है यार, है कि नहीं। अच्छा हाँ, अच्छा मुझे बताओ, दो तीन लाइनें गा दो ना हम लोग के लिए यार। क्या गाऊं? कोई भी गाना जो दिल में आता है ना, गा दो। हमारे जो लोग हैं तड़प रहे हैं आपको सुनने के लिए। इनफैक्ट ऋषि जी ने बोला कि देखो सदा, तुम खाना नहीं खाओगे रात को जब तक तुम शहनाज से गाना नहीं गवाओगे। ओके, मेरे अनरिलीज्ड गा दूं? अनरिलीज तो माने रिलीज हो जाएगा यहाँ पे। हाँ। चलेगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे इनको अनरिलीज अच्छा लगेगा। जो रिलीज हुआ है वो ऑलरेडी वही सुना देते हैं। ओके। अच्छा रुकिए, दोस्तों अतिथि ठाकरे सर इधर आइए। यार आपके गाने बहुत वायरल हो रहे हैं, एक मराठी सॉन्ग हो जाए चलेगा यार? हाँ, हमारे डजंट मैटर, आप कुछ भी कर सकते हो। एक कर रहा हूँ यार, लव यू। इधर आइए, अच्छा इधर आइए। नहीं आदित्य मजाक कर रहा है, स्टैंड बाय लेजेंड है भाई, बहुत नहीं भाई। और मेरे को सच्ची नहीं आता, ये मजाक कर रहा है। मैंने अरे क्या करूँ, क्या चले गोचो इधर बाबा आए, इधर कैसे, इधर बाबा लोग का आवाज सुनने गए तो बाबा आया। अभी इतना ही। अच्छा और अरे एक दो और यार, पब्लिक डिमांड है यार। हाँ, रणबीर कपूर। अरे ताली। अच्छा आ जाइए।